नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं आप लोगों के लिए टेक की वीडियो बनाकर हिंदी में अपलोड करता हूँ। और दूसरा चैनल है मेरा डीआर वर्टिकेटर, जहाँ मैं यूट्यूब से रिलेटेड ट्यूटोरियल हिंदी में डालता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डीआर वर्टिकेटर और डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसका नाम है कि विंडो 10 के अंदर स्टार्टअप प्रोग्राम। जैसे ही मतलब हम विंडो 10 का कंप्यूटर या लैपटॉप, हम अगर हमारे लैपटॉप में विंडो 10 इंस्टॉल है और हम यूज करते हैं, तो जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं जो कि ऑटोमेटिक ऑन होता है। उसको हमें डिसेबल करना हो या ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टास्क बार पर राइट क्लिक कीजिएगा, टास्क मैनेजर पर जाइएगा। ये होता है स्टार्टअप, और यहाँ पे जो चीज़ आपको यूज नहीं हो रहा है उसका आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्काइप को आपको डिसेबल किया हुआ है। बाकी चीज़ें भी होती है, अगर आपको यूज नहीं हो रहा तो उसको आप इसको सेलेक्ट करके डिसेबल कर दीजिएगा। ऐसे तो आपके ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ को इनेबल करना है तो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा और इनेबल कीजिएगा, तो आपका स्टार्टअप में इनेबल हो जाएगा। तो अगर आपका जो चीज़ यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है उसको सेलेक्ट करके आप डिसेबल कर सकते हैं, ताकि आपका सिस्टम फास्ट रहे और स्टार्टअप प्रोग्राम को आप बंद कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है, इससे आपके सिस्टम को ऑन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल सा तरीका है, आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पे जाना है, स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ आपको यूज नहीं हो रही है, वो लगता है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को आप ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो मैं कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे डीआर टेक्नोलॉजी को और डीआर ओटिकेटर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।